डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार टॉपिक है और एक छोटा सा डेरिवेशन कराएंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक का नाम है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब ये चीज़ क्या है? आपने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा, आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा यानी गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा, गुरुत्वीय बल पढ़ा। ये गुरुत्वीय विभव क्या चीज़ होती है? देखो, यदि मैं एक यूनिट मास के द्रव्य पिंड को यानी एक एकांक द्रव्यमान के पिंड को मैं इन्फिनिटी से लेके आऊँ यानी अनंत से लेके आ रहा हूँ, ये अनंत दूरी से लेके आ रहा हूँ, और कहाँ लेके आ रहा हूँ? ग्रेविटेशन फील्ड में, यानी यहाँ पर जो है पी पॉइंट है और ये पी पॉइंट आपका गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, कहने का मतलब ये है यदि कि मैं एम द्रव्यमान के पिंड को, जो कि एकांक द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान के पिंड को मैं इन्फिनिटी से यानी अनंत से इस पी बिंदु तक लेके आऊँ, और पी कहाँ पर है स्थित है? गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी कि मैं इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, कुछ मुझे कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ा मुझे उस द्रव्यमान को लाने में, वही उस पॉइंट बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की विभव कहलाता है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र का विभव पी पॉइंट पर कितना निकल के आएगा? डब्ल्यू अपॉन एम। इसका मतलब क्या हुआ? वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, कि इस एम द्रव्यमान के पिंड को तुम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो पी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में तुमने कितना वर्क किया? किसको लाने में? एम द्रव्यमान के पिंड को। एम द्रव्यमान के पिंड को लाने में कितना वर्क किया उसी को हम क्या बोलते हैं? विभव। इसकी यूनिट क्या बनेगी? वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, और एम का मतलब हो गया जूल पर किलोग्राम यानी जूल पर केजी। अब इसकी डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय राशि के बारे में बात करूं तो वर्ग का मात्र कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल की क्या होगी? बल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल की होगी एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट यानी इनटू एल, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और अपॉन में नीचे आएगा एम, तो ये बनेगी इसकी जो विमीय राशि बनेगी वो बनेगी एल स्क्वायर टी माइनस टू। नोट कीजिए एल स्क्वायर टी माइनस टू। मेहनत करो बच्चों, मेहनत करोगे तो बहुत आगे भी बढ़ोगे। फिर से बता दूँ, एम द्रव्यमान के पिंड को हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, पी पॉइंट आपका ग्रेविटेशन एरिया में स्थित है यानी ग्रेविटेशन फील्ड बना हुआ है, उस फील्ड में लाने में तुमने कितना वर्क किया, और किसको लेके आ रहे हो? एम द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान। अगर एकांक द्रव्यमान होता है तो वी पी को हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बच्चों उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करने का एक ही तरीका है, जो भी राशि आ रही है उसको वन यूनिट मान लो। यानी कि मैं बोलूं यदि मैं एक किलोग्राम के पिंड को अनंत से लेकर पी बिंदु तक लेके आ रहा हूं तो जितना कार्य किया जा रहा है वही गुरुत्वीय विभव होता है। क्योंकि आप देखिए गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से, यदि मैं एकांक द्रव्यमान को यानी कि अब मैं यहाँ से इन्फिनिटी से एम इक्वल टू वन के जी के पिंड को लेके आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके लेके आया, और यहाँ पर मेरा कोई ग्रेविटेशन फील्ड है और पी पॉइंट तक मैं लेके आया, पी पॉइंट तक लाने में मुझे डब्ल्यू वर्क करना पड़ा यानी डब्ल्यू अपॉन एम इक्वल टू मैंने वी बताया, यानी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वन हो जाएगा, एम की वैल्यू वन है तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू जूल, यानी कि मुझे इतना ही तो जूल वर्क करना पड़ा, जूल पर के जी यानी के जी यूनिट वन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विभव किसी पॉइंट पर उस कार्य के बराबर होता है यदि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से लेकर आया जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, अब ये कैसे होगा भैया? बिंदु द्रव्यमान गुरुत्वीय विभव, इसके लिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक बिंदु द्रव्यमान पॉइंट मास एम माना कैपिटल एम, और यहाँ से एक पॉइंट ए माना, एक पॉइंट बी माना, एक पॉइंट सी माना, एक पॉइंट डी माना, ऐसे कई सारे पॉइंट हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये आगे बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए इसके सेंटर से ये ओ पॉइंट पर स्थित एम द्रव्यमान है, इसके सेंटर से ए पॉइंट तक की दूरी आर है, यहाँ से बी तक की डिस्टेंस आर वन है,
यहाँ से ये सी तक की डिस्टेंस आर टू है, यहाँ से ये आर थ्री, ऐसे कई सारी डिस्टेंस हैं। बच्चों ये बताइए मुझे कि ओ पॉइंट, अब बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव कितना होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना। तो ये मैंने कुछ नोमेनक्लेचर बताया आपको। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, यदि मैं मान लूँ कि एक छोटा सा द्रव्यमान m इस ए पॉइंट पर स्थित हो, तो दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा, यानी कि मैं बोलूँ F इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। क्या आप लोग इस बात से सेटिस्फाई हैं, यानी F ए पॉइंट पर लगने वाला आकर्षण बल जी एम यानी कि जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण निर्पण मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से यदि मैं मानूँ कि अगर मेरा ये जो एम द्रव्यमान का पिंड है अब बी पॉइंट पर स्थित है, बी पॉइंट पर स्थित होने पर कितना बल लगेगा, जी एम एम, ये तो फोर्स रहेगा ही रहेगा, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से जो मैंने डिस्टेंस मानी बी तक की, वो मैंने मानी है आर वन, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं मानूँ एम द्रव्यमान का पिंड सी पर स्थित हो, तो एफ सी पर कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ए पी ए दूरी, ओ से बी दूरी, ओ से सी दूरी, ये बहुत छोटी 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 दूरी है, पर हमें कहाँ तक ले जानी है, इन्फिनिटी तक। तो जब ऐसा केस बनता है तो हम ये दूरी मान के चलते हैं आर, जो आर वन है ना वो बहुत पास में है। ठीक है, तो जब हम इनके फोर्स की एनालिसिस करते हैं तो हम गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, यानी हमें नेट फोर्स निकालना हो तो हमें गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, यानी ए बी पर कितना बल लगेगा। ए कहने का मतलब ये है, गुणोत्तर माध्य का मतलब, जैसे मैं बोलूँ आपको चार तथा आठ का गुणोत्तर माध्य निकालिए, गुणोत्तर माध्य यानी कि इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में चार गुणा आठ यानी कि अंडर रूट 32। कहने का मतलब ये हुआ, तो अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे पार्टीशन में ए से लेके बी तक में कितना बल लगेगा इस एम की वजह से, ठीक है, तो मैं बोलूँगा एफ ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एफ ए मल्टीप्लाई बाई एफ बी। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अंडर रूट एफ ए का वैल्यू कितना है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एफ बी की वैल्यू कितनी है, जी एम एम अपॉन आर वन का होल स्क्वायर। दोनों पॉन पिंड बहुत पास में, इसीलिए हमने टोटल दूरी को हमने क्या किया, मतलब टोटल फोर्स को हमने एक तरह से गुणोत्तर माध्य के बराबर मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपने सॉल्व किया तो एफ ए बी निकल के आएगा, जी एम एम बाहर आ जाएगा, अपॉन में आर आर वन आएगा, समीकरण नंबर वन, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से मैं बात करूँ एफ बी सी के बीच में, वो कितना निकल के आएगा, जी एम एम, बताइए बी सी के, तो ये निकल के आएगा आर वन आर टू। एफ सी डी के बीच में कितना निकल के आएगा, जी एम एम अपॉन आर टू आर थ्री, इस तरह से एंड सो ऑन ये आपके सामने निकलते जाएंगे, बताइए। अब अगर मैं बोलूँ कि इसको, इस पर टोटल वर्क कितना लगा, अगर इस पिंड को एम को इन्फिनिटी तक ले जाऊं तो टोटल वर्क मुझे कितना करना पड़ेगा, बाकी बताइए। तो वर्क बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो डब्लू, अगर ए बी तक मैं वर्क कर रहा हूं तो कितना निकलेगा, बल एम यानी जी एम मल्टीप्लाई बाई एम अपॉन आर आर वन गुणा विस्थापन कितना होगा, यहाँ से लेके बी तक यानी आर वन माइनस आर होगा, बताइए। इसी तरीके से W को M को मैं B से C की ओर ले जाऊँ, B से C की ओर ले जाऊँगा तो G M M B C का बल लगाइए, R1 R2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा R2 माइनस R1, कुछ मैं इस तरह से सॉल्व करता चला जाऊँगा। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये नोट कर लीजिए आप इसको, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा जी एम एम अपॉन आर वन मल्टीप्लाई बाय आर वन अपॉन आर आर वन माइनस आर अपॉन आर आर वन। इसको सॉल्व करने पे ये बनेगा जी एम एम मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन आर वन माइनस वन आर वन अपॉन आर आर वन, यानी आर वन से बच्चों आर वन कैंसिल आउट होगा, ठीक है, आर वन से तो ये बचेगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर वन,
तो इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं सारे के सारे जो बल होंगे वो एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसिल आउट होंगे, देखिए यहाँ तक आप नोट करिए। इसी तरीके से डब्ल्यू बी सी तक कितना वर्क करना पड़ेगा, जी एम एम मल्टीप्लाई बाय 1/r1 - 1/r2 एंड सो ऑन। मैंने नोट्सों में भी बताया हुआ है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए से लेके बी तक, मतलब मैं इन्फिनिटी तक ले जा रहा हूँ बच्चों, ए से इन्फिनिटी तक, डब्ल्यू बी से सी प्लस डब्ल्यू सी से डी ऑन सो ऑन। यानी मैं इसे सॉल्व करूँगा तो जी एम एम 1/r - 1/r1 और बाकी के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अगले टर्म्स में प्लस का 1/r1 आएगा, माइनस का 1/r2 आएगा, एंड में माइनस का 1/∞ आएगा, ये माइनस का 1/∞ आएगा। तो ये तो टर्म्स जीरो हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आगे वाले से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली कितना बचेगा आपका वर्क, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। तो यही वर्क तुम्हारा निकल के आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। अब बच्चों यदि मैं इसी वर्क को उल्टा करूँ, इन्फिनिटी से लेके आऊँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी मैं ग्रेविटेशन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो एक बच्चे ने मुझसे कल पूछा था कि सर हम एरो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों एरो का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आप पर एक बल लगाऊं ऐसे करके, तो मेरी डायरेक्शन किधर है, मैं किधर बल लगा रहा हूँ, आगे की ओर, तो एरो आप आगे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। आप मेरे पे एक बल लगाएंगे ऐसे पीछे धक्का देंगे, तो जो बल की डायरेक्शन होगी पीछे की तरफ होगी। तो वही चीज़ है, अब कार्य को कैसे कर रहे हो, आप इधर लेके आ रहे हो, पहले मैंने माना कार्य अगर ऐसे करना पड़े तो आप टोटल निकाल सकते हो, ये आ गया। अगर आपको ऐसे करना पड़े तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मैं टोटल वर्क नेगेटिव कर सकता हूँ, क्योंकि भैया आप ग्रेविटेशन फील्ड तो आपका किधर जा रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है, लेकिन आप बॉडी को कैसे लेके आ रहे हो, ऐसे लेके आ रहे हो, तो उल्टा करना पड़ा। आप जानते हो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम द्रव्यमान के पिंड को लेके आ रहे हो, तो यहाँ से V की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर अपॉन एम। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा V इज इक्वल टू माइनस का जी एम अपॉन आर। तो ये डेरिवेशन था जो आप लोगों को करना है। थैंक यू वेरी मच।